एडॉल्फ हिटलर, एक ऐसा इंसान जिससे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई हैं। यही वह शख्स था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसके स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि वह बड़ी ही आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता, और यही वजह बनी कि वह इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब रहा। और दोस्तों, एक समय पर पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन नाम की जगह पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलोइस हिटलर और माँ का नाम क्लारा पोलजल था। और दोस्तों, हिटलर की माँ क्लारा एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर अपनी माँ के चौथी संतान। लेकिन इससे पहले कि उनके तीन भाई बहनों की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। अब चूंकि हिटलर एकमात्र जीवित बच्चे थे, इसीलिए वे अपनी माँ के बहुत ही चहेते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उनके परिवार को बहुत सारे अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा, और अपने पिता के साथ भी हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई वॉल्कस चले स्कूल से की, और बचपन में वे बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें चर्च के ग्रुप्स के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था, और इसी वजह से आगे चलकर वे एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे, और इसीलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया की जगह पर जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई, और फिर अगले कुछ सालों में उनकी माँ भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा, वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई और पोस्ट कार्ड बेच कर भी उन्होंने कुछ पैसे कमाए। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि यही वह समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिक शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, और फिर 1914 में उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब चूंकि जर्मन राष्ट्रवाद पहले से ही उन्हें पसंद थी, इसीलिए उन्होंने जर्मनी के लिए युद्ध में भी बहुत ही अच्छा काम किया, और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफी दुख हुआ, और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने DAP नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे। और दोस्तों, कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी, वह DAP ज्वाइन करने के बाद और भी प्रबल हो गई। आगे चलकर DAP पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया, और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर काफी लोकप्रिय हो गए। वर्ल्ड वार के बाद से उस समय जर्मन की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी, और उसको सुधारने की बातें करके वह लोगों में लोकप्रिय बनते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वह हिटलर अब काफी लोकप्रिय हो चुका था। 1923 में हिटलर ने उस समय की सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वह असफल हो गया, और 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में हिटलर को 5 साल की सजा भी सुनाई गई। हालांकि 13 महीने ही उन्हें जेल में रखा गया, और इसी बीच उन्होंने मीन कैंप नाम की एक किताब लिखी। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, और इसीलिए अब हिटलर को कुछ ऐसा करना था जिससे कि वह लोगों की नजरों में एक बार फिर से आ सके। और यह मौका मिला उनको 1929 में, जब जर्मन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ चुका था। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, और बहुत सारे बैंक्स भी बंद हो गए। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नजरों में छा गया। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था, वह अब उसको मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगी। हालांकि अगले साल 1933 में वह जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत गया, और बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। आगे चलकर राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और फिर सबसे पहले उसने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया, और फिर इसके बाद से ही यहूदियों के मृत्यु का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने सबको दहला कर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपने सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू किया,
और 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और इस तरह से दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें कि एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। शुरुआती समय में हिटलर की नाजी आर्मी को तो जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ईवा ब्राउन नाम की लड़की के साथ तीसरी शादी की और फिर शादी के अगले ही दिन हिटलर अपनी हार को भांप गया था। दूसरी सेनाएं उसके बहुत ही पास पहुंच चुकी थी और इसीलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उनकी तीसरी पत्नी ईवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी। और दोस्तों, हिटलर की आत्महत्या के बाद से दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। कहते हैं कि आदमी कर्म से बड़ा होता है, लेकिन हिटलर के कर्मों की वजह से दुनिया में उसको 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।